छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस साय सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं को दबाने के प्रयास करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राजधानी रायपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और भिलाई में हाल ही में हुई एक घटना को शासन और प्रशासन द्वारा दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीनों में 3,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ घटनाएं हुई है, जो कि सरकार की अपराध रोकने में विफलता को दर्शाती है। बैज ने बताया कि 2 सितंबर को जिले स्तर पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार और वसूली की समस्याओं को उजागर किया जाएगा। दीपक बैज ने 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसमें वे सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते नजर आएंगे। और प्रदेश के जन जन से जुड़ी हुई प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर जो प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही है और प्रदेश सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हुई है, इस 9 महीने की सरकार में, बल्कि उस घटनाओं पे कार्रवाई करने के बजाय उन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर आज आप लोग के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। आदरणीय साथियों, पूरे प्रदेश में हर दिन कहीं ना कहीं गैंगरेप की घटनाएं हो रही है और प्रदेश सरकार बिल्कुल मुखदर्शक बनकर काम कर रही है। प्रदेश की माता बहनें डरे हुए, सहमे हुए महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। जहां राजधानी जैसे जगह सुरक्षित नहीं है, तो बस्तर के जंगलों में काम करने वाली माता बहनों से सरकार कैसे सुरक्षा दे पाएगी? सरगुजा जैसे क्षेत्र में काम करने वाली माता बहनों को कैसे सुरक्षा दे पाएगी? ये प्रश्न चिन्ह, ये सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है। इसलिए क्योंकि आप परसों की घटना को देखें कि रायपुर के बीच में, शहर के बीच में, राजधानी के बीच में, जहां 24 घंटा आवाजाही का स्थान है, बस स्टैंड के समीप एक बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक अनाचार होता है और उसका FIR दूसरे दिन दोपहर बाद FIR होती है और उस सामूहिक गैंगरेप को भी सरकार ने दबाने का प्रयास किया। पहले तो कोशिश की कि FIR नहीं होना चाहिए और उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म को भी उन्होंने एक रेप का केस उन्होंने बना दिया। मतलब इस तरह से कई ऐसे घटनाएं हैं। मैं उदाहरण दूं कि जहां राखी के दिन छत्तीसगढ़ में हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, रायगढ़ जैसे जिले में हमारी आदिवासी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उसके अलावा आप देखेंगे बिलाई DPS का मामला, जो पिछले दिन PC में आया, XCM ने PC भी लिए थे, इतना बड़ा मामला है, उस मामला पे कार्रवाई करने के बजाय सरकार उसको दबाने और बचाने का प्रयास कर रही है, पूरी प्रशासन बचाने में लगी है। और कल की बात करें, फिर भिलाई क्षेत्र में 3 युवक ने गैंगरेप किया। इसके अलावा हम बात करें जसपुर क्षेत्र, जसपुर की हो या फिर कोंडागांव जैसे क्षेत्र की हो, जाता जहां माता बहने, केसकाल की बात हो, जो हमारी माता बहने शाम को अगर किसी काम में जा रहे तो उनके साथ गैंगरेप होता है। नारायणपुर की बात करें, स्कूल की छात्रों के साथ छेड़छाड़ होती है,
वहां पे हम जांच टीम, वहां दो तीन दिन तक का वो एफआईआर तक नहीं होता है, हम जांच टीम बना के भेजते हैं, उसके बाद वहां पे एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस सरकार में इस 8 से 9 महीने में महिलाओं के अपराध, महिला अपराध 3,094 से अधिक तथा 600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, सबसे ज्यादा बिलासपुर जिले, जहां इस 6 से 8 महीने में 135 से बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। कवर्धा जिले में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। आखिर सरकार कार्रवाई करने के बजाय इन घटनाओं को